प्यारे बहन भाइयों हमारे फेसबुक ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें बिस्मिल रहीम रही। प्यारे बहन भाइयों उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती फरमाए जो भी अपनी बहन की वीडियो सुन रहे हैं अल्लाह पाक उन सब की मुश्किलें आसान कर दे आमीन सुमा आमीन अगर आप अमलियात सीखना चाहते हैं या इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो मदरसा फातमा तो सहरा लिल्बना से मदद हासिल कर सकते हैं आज का बहुत प्यारा अमल परी मोकिल और परी मोकिल के बादशाह को हासिल करने का अमल मैं आपको बताऊंगी और अमलियात में इसको सिखाऊंगी कैसे इस तरीके से हाजिर किया जाता है मैंने कभी भी आपको कोई ऐसा अमल वल्लाह नहीं दिया जिसमें किसी को कैद किया जाए क़ैद करना गुनाह है मैंने सिर्फ़ हाजरी का अमल हमेशा आपको बताया ये अमल भी हाज़री का है हाजरी परी इससे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु सल्हु वसल्लम की अहदीत से शुरू करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेत फरमाया अपने शर से दूसरों को महफूज रखना ये भी एक सदका जारिया है ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है प्यारे बहन भाइयों किसी को दुख देना अल्लाह पाक को पसंद नहीं हमारे नबी को पसंद नहीं हम अपने नबी के उम्मती हैं तो फिर हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब हमारे नबी को पसंद नहीं तो फिर हम कौन होते हैं किसी को तकलीफ़ देने वाले परी मोकल से शुरू करते हैं परी और मोकिल जैसा कि परीए नूर की हाली मोकिल नूर की हाले ये परी 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 मोकिल ये सब चीज़ें ये बिल्कुल इंसान जब भी इंसान के सामने ये हाज़िर होते हैं बिल्कुल इंसान की मुशाबा से ही हाजिर होते हैं उनका अपना कोई ऐसा जैसे हवा का रूप है ना कभी ऐसे रूप में भी ये आते हैं लेकिन अक्सर दफ़ा जब हाजरी होती है तो ये इंसानी रूप में आते हैं ठीक है क्योंकि ये पसंद नहीं करते अल्लाह के बंदों को तंग करना परेशान करना क्योंकि ये खुद भी मुसलमान होते हैं ठीक है अब इसको जो अमल है इनको बादशाह बक्तनोश ठीक है इनकी हाजरी का मैं अमल आपको समझाऊंगी और ये ना हाथ की हथेली के ऊपर भी अमल किया जा सकता है दोनों तरीके आज मैं आपको समझा दूंगी वक्त रात का बारह बजे का ठीक है याद रखिएगा दिन जमेरात का द्रुद पाक इकतालीस बार नमाज की पाबंदी और जो अमल जो करना है ना आपने उसका भी जो ये अमल में दुआ पढ़नी है ना आपने उसका भी जो काउंट है वो इकतालीस बार है ठीक है खुशबू वाला तेल का काजल चाहे चमेली का हो गुलाब का तेल हो खुशबू वाला हो अतर ले लें असेंशन ऑयल ले लें पर वो ऑयल हो ठीक है और उसके आप स्या रंग का लें बिल्कुल स्या रंग का लीजिएगा उसके अंदर एक कतरा चमेली का तेल या गुलाब का इस तरह तेल मिक्स करके तो अब आपने काजल बना लिया काजल को आपने इस तरह खाने में इस खाने में इस तरह ये खाना बनाना है अब जब ये नक्श बनाएंगे ना जहाँ पर इनकी इन परी मोकिल की हाजिरी होनी है तो वो यहाँ होगी याद रखें इस जगह होगी ठीक है ये देखें स्केल से आपको नज़र आ रहा होगा इस जगह हाजिरी होगी ठीक है अब ये देखें ये अब पढ़ने का तरीका जो मैंने आपको समझाना है पर एक दफ़ा हाज़री का देख लें खुशबू वाला तेल यहाँ पर काजल बनाकर लगाना है नक्श बिल्कुल ऐसे ही बनाना है जिब्राइल मिकाइल इसराइफील इसराइल ठीक है तीन आठ छः इस तरह यहाँ पर जिस तरह ये बना हुआ है नक्श इसी तरह पुर करना है नक्श की कोई चाल नहीं सीधे हाथ से लिखें एंड यहाँ तक करें ठीक है अब गौर से सुने अब जब आपने ये नक्शतयाल कर लिया और ये जो काजल है वो इसके अंदर आपने लगा लिया ठीक है अब आपने रात के बारह बजे पाक साफ हो के वज़ू करके बैठ जाना है ये अमल कितने दिन करना है ये अमल सात दिन करना अगर सात दिन में परी मोकिल हाजिर हो जाते हैं तो फिर अगर आप सात दिन में ये अमल कर रहे हैं तो सात दिन की ज़ुआत पूरी कर दें अगर तीन दिन में हाज़िर हो जाते फिर भी सात दिन जुआूत पूरी करें अगर सात दिन में हाजिर नहीं होते और हल्की हल्की यहाँ पर रोशनी पैदा हो जाती है ठीक है तो फिर आपने ये अगर आप आंखें बंद भी करेंगे ना तो ये रोशनी यहाँ पर नज़र आती रहेगी ठीक है ना ये रोशनी आपकी आंखों से जाएगी नहीं फिर जब आप सात दिन पूरे करें रोशनी ना यहाँ पर नजर आए चमक पैदा ना हो गौर से देखने से भी रोशनी नज़र ना आए तो फिर आपने क्या करना है फिर सात दिन फिर दोबारा से शुरू करना है बिल्कुल उसी तरह सात दिन के बाद आठवां दिन नौवां दिन दसवां दिन इस तरह करना है ठीक है वैसे तो तीन से सात दिन में हाजिरी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत अच्छी होनी चाहिए आपकी ठीक है मैं आने वाले दिनों में बात नहीं आकर का रूहानी थर्ड आई का सारे अमल आपको मैं समझाऊंगी ठीक है यह आप लोगों की ख्वाहिश पर ही तमाम अमलियात सिखाई जा रही है ठीक है अब आपने जब यह नक्श जोन सा है बिल्कुल ऐसे तैयार कर लेना है और रोशनी कमरे में कैंडल रोशनी हो यानी मोमबत्ती जितनी रोशनी हो जीरो का बल्ब हो मोमबत्ती अगर आप इस्तेमाल नहीं कर खुद को भी थोड़ी सी खुशबू लगा लें खुशबू जो इबादत की बरक़ात में से है इबादत में ताकत पैदा करती है ठीक है इकतालीस मरतबा द्रूशीफ़ फिर रसूल महम्मद या मशोकला हाजिर शु ठीक है पूरा कलमा पहले आपने पढ़ना है फिर या मशो कलान हाजिर ये नाम आपने फिर लेना है ठीक है फिर आपका जिस रूप में भी आप अपना इरादा रखेंगे जौन सा भी रूप आप अपने दिमाग में रखेंगे परी मोकिल उसी रूप में ये दोनों हाजिर होंगे अगर आप परी का रूप खूबसूरत हसीन जो है नूर के हालापरी का रूप आप इख्तियार अपने दिमाग में रखेंगे दुआ उसकी करेंगे तो वो हाजिर होगी तो मोकल हाजिर हो जाएंगे ठीक है जो बादशाह बदतानोश के ही होंगे ठीक है अब आपने जब ये अमल कर लेना है अमल करने के बाद जब सात दिन ये अमल पूरा हो जाए सात दिन होने के बाद आपके बू में ये अमल आ जाए फिर तो आप तीन मरतबा भी पढ़ेंगे ना तो ये हाजिर हो जाया करेंगे ठीक है बादशाह हाजिर हो जाए अगर अगर आपने किसी आ, बच्चे पर हाज़री करवानी है ना छोटे बच्चे पर दस साल से या बारह साल तक के बच्चे पर हाज़िरी हम आराम से कर सकते हैं उसको कहीं आंखें बंद करें आंखें बंद करने के पर उसके हाथ पे ना स्याह दायरा बना दें चोरस बनाएं ठीक है चाहे गोल बनाएं दायरा बनाने के बाद उसके अंदर काजल भर दें और बच्चे को के इस काजल में ग़ौर से देखें ठीक है बस बच्चे को कहना है अपने गौर से देखना आप ये वाला जो अल्लाह का कलाम है ये पढ़ करना उस बच्चे के सर पर दम करें जब बच्चे के सर पर दम करेंगे ना तो जो जिस बच्चे के ऊपर भी सर पर दम करेंगे ठीक है लेकिन उसको भी साफ़ कपड़े पहनाएं वज़ू करवाएं पाक साफ करके बच्चे को जो यमल उसके ऊपर हाजिर करवाएं फिर जैसे जैसे वो उसमें देखता जाएगा रोशनी पैदा होती बच्चों की रूहानियत बहुत तेज़ होती है एक दफ़ा यमल करके देखे बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मुफीद है क्योंकि ये बच्चों के दोस्त बन जाते हैं फिर सारी ज़िंदगी उन ऐसे हर मखसूस बच्चा नहीं अगर आप दस बच्चे लेते हैं उनमें से दो तीन के ऊपर ही हाज़री होती है दस के दस पर हाज़री नहीं होती ठीक है ना अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि पूरी महफिल में हम हाज़री कर रहे होते हैं तो पूरी महफिल में जितने लोग होते हैं उन पर भी हाज़री हो जाती है ऐसे भी होते हैं सबको नज़र आते हैं ठीक है ये चीज़ होती है आपने परेशानी होना ठीक है पहले ख़ुद पे हाज़री करें फिर ज़रूरत पड़े तो बच्चों पर हाजिरी करें, बड़ों पर करें जब आपके पास इस अमल की ताकत आ गई परी मोकिल आपके ताकत में आ गए तो फिर आप बड़ों पर भी हाज़िरी कर सकते हैं वो बड़ों के साथ भी मेहरबान होते हैं ठीक है हर लिहाज से वो उनको सपोर्ट भी करते हैं प्यार भी करते हैं लेकिन नाजायज़ बात इनसे पूछना अल्लाह पाप को भी नाराज़ करना है और को भी नाराज़ करना है पहले कलमे का ये अमल है इनसे कोई जैसे लॉटरी के नंबर हो जाते हैं चोरी चकारी के बारे में पूछना कोई ख़जानों के बारे में पूछना पैसों के बारे में पूछ इस हाँ ये पूछ सकते हैं कि फ़लाँ बंदा बीमार क्यों है फ़लाँ बंदा कैसे ठीक होगा फ़लाँ बंदा का काम कब तक होगा अल्लाह के हुक्म से बशरत रब की जात से ठीक है प्यारी बहन भाइयों ये बहुत आसान और बहुत अच्छा अमल है इसमें ना कोई परहेज़ है और ना ही सिर्फ ये है कि जिस दिन आपने अमल शुरू करना है ना उससे एक दिन पहले ना आप गोश्त खाना छोड़ दीजिएगा ठीक है ताकि आपके पेट बिल्कुल साफ़ हो और अच्छे तरीके से अमल आप कर सके अमल जब भी आप करें जुमेरात नौ चंदी जुमेरात को शुरू करना है नए चांद की पहली जुमेरात को शुरू करना है मैं आपकी आसानी के लिए बता देती हूँ आज एक छोटी सी बात एक दुआ के साथ बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो घर में बीमार हैं परेशान हैं हाजत भी हैं बीमारी भी हैं लेकिन वो जादू और जिन्नात के हिसार में भी हैं लोगों ने उनके ऊपर जादू करवाया उनके ऊपर जिन्नात को छोड़ा कारोबार नहीं चल रहा कारोबार में बरकत नहीं है रोजी रिस्क जो उन है ख़त्म हो गया ना किसी से वो मांग सकते हैं ना किसी से कह सकते हैं अल्लाह पाक से फ़रियाद करते हैं लेकिन लोगों ने उनका क्या किया रिस्क बंद कर दिया उनके ऊपर जादू करके उनको नुकसान पहुँचाया आप सिर्फ और सिर्फ ये नक्श बना लें इस नक्श को अपने पास रख लें ये आपकी हर हाजत तो पूरी करेगा ही ठीक है क्योंकि ये मकलिन परी मक्किल का नक्श है ठीक है ये आपकी हाजत तो पूरी करेगा ठीक है लेकिन ये नक्श आपके ऊपर कभी जादू कारोबार में बंदिश रिस्क में बंदिश जैसे जॉब पर बंदिश लग जाती है इस तरह की चीज़ों पे जो बंदिश होती है वो ख़त्म कर देगा घरों में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं घरों में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इन सब को इनशाला इस नक्श की बदौलत इसकी बरकत से सब कुछ ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जितना भी जादू होगा आपके घर से कट जाएगा एक दफ़ा ये अमल ज़रूर कीजिएगा ठीक है ये नक्श भी आप अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं रिस्क के लिए बीमारी के लिए हाजत के लिए कारोबार के लिए शॉप के लिए ठीक है आप इसका इस्तेमाल कर सकें अपनी पॉकेट में रख लें अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी में रख लें अगर आपके घर में किसी ऐसी जगह है जो बड़ी पाक हो ये उस जगह पर भी नक्श बना कर रख सकते हैं नहीं तो किसी डब्बे में बना कर रख लें किचन में रख लें रिस्क कभी ज़िंदगी में भी कम नहीं होगा सुबह अल्लाह इसी के साथ इजाजत है अपना ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों अगर आप इसी करवाना चाहते हैं या या अमल करवाना कर चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं।, हैं तो हमारे तो फेसबुक पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, हैं।, हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम आपकी वालदा का नाम सिटी कंट्री मौजूदा और मसला बयान ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी कर सकते हैं कला और अगर आपने इस्तारा करवाना है तभी रबता करें अगर इस्खारा नहीं करवाना तो ये दीन है ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती जैसा कला